नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने 18 जुलाई को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया था। विवाद नहीं थमता देख 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस हाईकमान के बीच बचाव के बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व की पहल पर सिद्धू के साथ हुई अहम बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने ऐलान किया कि पूर्व क्रिकेटर सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। रावत ने यह भी ऐलान किया कि पंजाब कांग्रेस के नए संगठनात्मक ढांचे के साथ कुछ अहम फैसलों की अगले 24 घंटे में घोषणा कर दी जाएगी। रावत ने साफ संगठन दिया कि सुलह सफाई के लिए हुई बैठक में कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू के कुछ मसलों को हल करने का संदेश दे दिया है, तो सिद्धू ने भी लचीलापन देखते हुए नेतृत्व की बात मानने का फैसला किया है। रावत ने संकेतों से साफ किया कि अगले 24 घंटे में पंजाब कांग्रेस में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री चन्नी सरकार से जुड़े कुछ अहम फैसले भी करेंगे, जिसको लेकर सिद्धू खुलकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। रावत ने साफ संगठन दिया कि सुलह सफाई के लिए हुई बैठक में कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू के कुछ मसलों को हल करने का संदेश दे दिया है, तो सिद्धू ने भी लचीलापन देखते हुए नेतृत्व की बात मानने का फैसला किया है। रावत ने संकेतों से साफ किया कि अगले 24 घंटे में पंजाब कांग्रेस में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री चन्नी सरकार से जुड़े कुछ अहम फैसले भी करेंगे, जिसको लेकर सिद्धू खुलकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इस बैठक के बाद सिद्धू के सुर भी पूरी तरह बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके सोच नेता हैं, वे उनके आदेशों का पालन करेंगे। सिद्धू ने कहा कि बैठक में उन्होंने अपनी कुछ चिंताओं को रखा और हाई कमांड पर उन्हें पूरा भरोसा है। सिद्धू ने इन शब्दों के से साफ है कि नेतृत्व ने उनके कुछ सवालों के हल का आश्वासन दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने 18 जुलाई को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया था। विवाद नहीं थमता देख 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल यानी द ऑड स्ट्रिंग को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।